नमस्ते फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आज दिखाऊंगा एक ड्राइंग ऑटोकैड का जो कि डिज़ाइनर ड्रॉ किया, उसके बाद एक सर्वेयर को दिया, लेकिन ये ड्राइंग एज पर साइड कंडीशन के हिसाब से, कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से सेट नहीं है, अलाइन नहीं है। तो इसको अलाइन करेंगे एज पर साइड कंडीशन। तो चलिए पहले इसका डायमेंशन चेक करूँगा। स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो को फॉलो कीजिए, कोई भी काम सीख सकता है, ठीक है। चलिए डायमेंशन को मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ, ये ड्राइंग मीटर में है या मिलीमीटर में है देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं डायमेंशन मेनू में जाके डायमेंशन को एक चेक करूँगा कोई भी जगह का। तो ये जो है हमारा मिलीमीटर में है, देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्लॉक बनाएंगे, तो पूरा सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद बी एंटर करेंगे, कमेंट में बी एंटर। बी एंटर करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें आप जो ऊपर नेम के जगह पे कुछ भी नाम देना पड़ेगा, ठीक है। मैं सर्वे दुनिया इधर लिखता हूँ। वो लिखने के बाद नीचे आपको कन्वर्ट टू ब्लॉक दिखेगा, देखिए इधर कन्वर्ट टू ब्लॉक, तो उसमें चेकआउट करके ओके पेस्ट कर देना है। तो ड्राइंग जो है हमारा पूरा ऑल एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सिंगल क्लिक में ड्राइंग पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, तो ब्लॉक बन गया, देखिए। उसके बाद स्टेप, नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हमारा ड्राइंग जो है साइट का एक रेफरेंस बेंचमार्क ड्राइंग है, जो एज पर साइट कंडीशन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से है। तो मैं एक ग्रिड का रेफरेंस इधर लूँगा, शो करा दिया स्क्रीन पे, देखिए, ठीक है। सेकंड, कोई भी एक और एक पॉइंट लेना पड़ेगा, मिनिमम टू पॉइंट्स सबको रेफरेंस में लेना पड़ेगा। देखिए, तो आई डी एंटर मारने के बाद तो उसका एक्स वाई दोनों हम देख सकते हैं। तो आई डी एंटर करके देख लिया, उसके बाद फिर से एक बार सिलेक्ट करेंगे जो ड्राइंग को हम लोग सेट करेंगे, उसके बाद एस सी स्केल एंटर करेंगे, ठीक है। स्केल एंटर करके बोलेगा एक बेस पॉइंट देने के लिए, तो कोई भी एक स्पेसिफाई पॉइंट दे देंगे, और स्केल फैक्टर को रखेंगे 0.001, क्योंकि मिलीमीटर से मीटर में कर रहा हूँ, तो मीटर से मिलीमीटर में करने के लिए 1.1000 करना पड़ता, तो मिलीमीटर से मीटर में करने के लिए 0.001। उसके बाद एल एंटर करेंगे, ठीक है। एल एंटर करके जो रेफरेंस ड्राइंग से जो कोऑर्डिनेट्स पिक किया उसको इधर कीबोर्ड से पुट करेंगे, तो एल एंटर करने के बाद देखिए कोऑर्डिनेट 5116.207, 7740.267, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। तो हाँ, एक लाइन ड्रॉ हो गया। ऑर्थो मोड को ऑफ करेंगे, आपको दिखाऊंगा, देखिए ऑर्थो मोड को ऑफ कर दिया। अभी ड्राइंग के सामना सामने कुछ एक प्रेस करके एस्केप मार दीजिए, तो एक लाइन जो मतलब एक जो हम लोग रेफरेंस का कोऑर्डिनेट उठाया था उसको ये ड्राइंग में एल एंटर किया, उसके बाद उसका वैल्यू एक्स वाई देने के बाद एक लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ। आप पॉइंट ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट थोड़ा मिलेगा नहीं, दिखेगा नहीं, इसलिए लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स में दे रहा हूँ रेफरेंस का, तो ऐसे कोमा 7790.160, ठीक है, एंटर। तो दो पॉइंट जब हमारा बन जाएगा, मतलब लाइन जब बन जाएगा, उसके बाद हम अलाइन करेंगे। देखिए दो लाइन इधर ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये ड्राइंग को मूव करके जो कोऑर्डिनेट का लोकेशन है उधर लेके जाएंगे, सिलेक्ट किया, फिर एम एंटर करेंगे मूव के लिए, ठीक है, एंटर करके एक सिलेक्ट करके कोई भी जगह का,
फिर मूव करके लेके चला जाऊंगा। ठीक है, देखिए क्लिक किया, अभी मूव करेंगे। मूव करके जैसा है स्ट्रेट, ऐसे कोई रोटेशन करने का ज़रूरत नहीं, एंगल में कोई घुमाइए मत। इधर मूव करके मैं, ये देखिए इधर जो हमारा कोऑर्डिनेट्स पुट किया, लाइन ड्रॉ किया, ये दो कोऑर्डिनेट्स है तो इधर रख दिया। उसके बाद फिर से एक बार सिलेक्ट करेंगे, अलाइन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप AL एंटर। ठीक है, AL कमेंट में डाल के सिलेक्ट करेंगे पूरा, फिर एक बार एंटर करेंगे, फिर बोलेगा फास्ट सोर्स पॉइंट, तो ये हमारा रेफरेंस का ग्रिड का जो है कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग फास्ट सोर्स पॉइंट इधर पिक करेंगे। अभी बोलेगा फास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट। ठीक है, देखिए फर्स्ट सोर्स पॉइंट पूरा ग्रिड सेंटर में क्लिक किया, डेस्टिनेशन पॉइंट इसको, ये वाला वो ग्रिड का कोऑर्डिनेट था मतलब रेफरेंस ड्राइंग का। फिर सेकंड सोर्स पॉइंट ये वाला, ओके पिक किया, फिर डेस्टिनेशन पॉइंट, सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट पूछेगा, देखिए सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट ये हुआ, तो हो गया। फिर एक बार एंटर मारेंगे, वाई प्रेस करेंगे यस के लिए, एंटर करेंगे। देखिए ये ड्राइंग हमारा एज पर साइड लोकेशन सेट हो गया, लाइन को डिलीट कर दिया, अभी सेव कर देना है बस। तो इसको मैं कोऑर्डिनेट शो करके आपको दिखा देता हूँ, बराबर हुआ क्या नहीं हुआ। देखिए कोऑर्डिनेट को एक्स वाई शो करा देंगे इधर, देखिए देखिए मैच करके देख लीजिए, स्क्रीन पे दिखेगा। फिर सेकेंड जो पॉइंट को हम लोग रेफरेंस में लिया, उसको भी कोऑर्डिनेट शो करके दिखा दूंगा। तो सेम ऐसे आप कोई भी ड्राइंग को आपका एज पर साइट कंडीशन लोकेशन के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक बना सकते हैं। इस ड्राइंग में मैं ब्लॉक कैसे बनाता है वो भी सिखाया, अलाइन कैसे होता है वो भी दिखाया, मूव कैसे होता है वो भी दिखाया। ठीक है, आप लोग अगर चाहते हैं ऑटोकैड का कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए, मैं नेक्स्ट आगे सर्वे के रिलेटेड पहले मैं बनाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो बनाऊंगा। ठीक है, सर्वे का फील्ड में ऑटोकैड का क्या यूज़ है वो मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे, पार्ट बाय पार्ट। तो ये हमारा पहले का ड्राइंग था रेफरेंस का क्लाइंट की तरफ से, ये हमारा अभी का ड्राइंग देखिए पूरा सेट हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।